बचपन में क्या हुआ वो हमें नहीं याद है, लेकिन बड़े पे भी हो रहा है और आप तब भी नहीं करना, लोग आपके मुंह पे थूक के जा रहे हैं और तुम पड़े हुए, अरे चलो ठीक है यार, ठंडा ठंडा लग रहा, शर्म की बात है। जानवर हो तो कोई बात नहीं, इंसान हो तो उठो और दिखाओ ऐसे लोगों को कि हम क्या कर सकते हैं, इंसान के अंदर क्या पावर है, बस दिखाओ यार, अगर टारगेट तो बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, 4 घंटे या 5 घंटे सो गए सो लो, ठीक है अपना शेड्यूल बता दें। तो वैसे हम डेली सुबह 5:30 को उठते हैं, ठीक है, लेकिन जिस दिन छुट्टी होती मस्त 11 बजे सो के उठते हैं। अरे जब काम है तो उठ जाओ, नहीं काम, अब इस समय पेपर आने वाले तो मेहनत कर लो 2 महीने, उसके बाद फिर 12 बजे तक सोना कौन रोक रहा है यार तुम्हें। अब तुम यार अभी भी सोते रहोगे, बाद में भी सोते रहोगे, तो फिर वही होगा भैया, लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, यही किस्सा पुराना है सजन रे, झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज की ये वीडियो एक्सपीरियंस से भरी हुई है और हमने पहले भी कहा आपकी मेरी एज में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है सर, ठीक है, और ये एक्सपीरियंस बिल्कुल जेन्युइन है। मेरे 10th क्लास में जो परसेंटेज थी वो बहुत कम थी सर, लगभग थी 61 पॉइंट केवल थी, 16%, ठीक है, लेकिन उसके बाद वहां पे कुछ ऐसा हुआ कि 12th क्लास में भी मेरा बेहतरीन नंबर आए, केमिस्ट्री में 70 में 64 नंबर आए तब, यानी लगभग 100 में से 94 नंबर आए, वो भी तब जब जाके जो है 11वां भी आता था, 12वां मतलब बहुत सारा सिलेबस आता था तब, जबकि हाई स्कूल में थोड़ा सा सिलेबस था, उसके बाद बीएससी में तो हमने बहुत कम पढ़ाई की और उसके बाद भी बेहतरीन परसेंटेज 70% बनाई, जबकि मैथ थी मेरे पास तब। तो ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या परिवर्तन आया, ऐसा क्या बदलाव आया जिससे जो हम एकदम से कुछ अच्छे बच्चों की श्रेणी में जाके खड़े हो गए। अपने पूरे एक्सपीरियंस को आपके साथ में शेयर करेंगे, इस पूरी वीडियो को भले ही भगा भगा के देखना मेरे भाई, लेकिन पूरी देखना, बड़ा काम किया सर, ठीक है। तो हुआ क्या, हमने 9th क्लास में एडमिशन लिया, स्टार्टिंग से बताएंगे हम आपको बीएससी फाइनल तक का पूरा, ताकि हर आदमी उससे रिलेट कर पाए और चीजों को समझ पाए। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, गारंटी है सर, ठीक है। तो अब क्या हुआ, सबसे पहले हम 9th में थे, 9th में खूब मौज ली, 9th में आदमी मौज लेता है, कोई टेंशन नहीं है। जब हम 10th में आए तो यार हम सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले थे यार, अब इतना ज्यादा अमीर तो थे नहीं, तो सरकारी स्कूल में नाम लिखवा दिया घर वालों ने सरकारी स्कूल में नाम लिखवाया। वहां पे बच्चे क्या करते थे, डंडा तोड़ लेते थे और डंडा तोड़ने के बाद गोल्ड स्टार की गेंद आती थी 2 रुपए की, दिन भर मैच खेलते थे। तो हम भी क्या करते थे, सुबह जाते थे 5-6 बजे, उठ गए मान ले 5-6 बजे, सबसे पहले उठने के बाद 6 बजे कोचिंग जाते थे, 6 से 7 एक कोचिंग पढ़ ली इंग्लिश की, उसके बाद 7-7:30 का स्कूल होता था और पहुंच जाते थे, और उसके बाद स्कूल, कुछ लोग सोचे अरे सर जी तो बड़े बढ़िया, नहीं, जाके फिर मैच खेलना शुरू करते थे और दिन भर मैच खेलते रहते थे, 2 बजे तक, 3 बजे तक, 4 बजे तक बहुत मैच खेलते थे। 4 बजे जो है जब फ्री हुए, एक और कोचिंग होती थी बहादुरगंज में यहीं पे, उनसे सर जी से पढ़ लेते थे और उसके बाद घर आ जाते थे। घर आने के बाद ऐसा नहीं है कि हमने मेहनत नहीं करते थे, फिर रात में 9-10 बजे एक अदालत नाटक आता था केडी पाठक वाला, उस दौर में, ठीक है, उसे देखा करते थे, और उसके बाद फिर 11 बजे से बैठते थे, फिर 2-3 बजे तक पढ़ते थे बैठ के, बहुत प्रैक्टिस करते थे, ठीक है, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं मिला, फिर भी नंबर नहीं आए। 10th में मेहनत बहुत की, कहीं ना कहीं एक दिक्कत थी कि जो हमारे अंदर एनर्जी थी हम उसे गलत जगह यूज कर रहे थे। कैसे, वही सेम आपके साथ भी होता है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं हम तो पढ़ लेते हैं, अभी हम आपको बताएंगे कि कितने घंटे सोना चाहिए, क्या करना चाहिए, पूरा कायदे से समझिएगा सर, और क्या एक शेड्यूल फॉलो किया जिससे हमें रिजल्ट बढ़ते ही गए और अच्छे होते चलेगा चीजें सर, ठीक है। तो हुआ क्या, 10th में क्या हुआ, 10th में रिजल्ट आया, परसेंटेज बहुत कम आई। एक मैडम जी थी, वो कहा करती थी कि जो है तुम्हारे नंबर कमाएंगे बेटा, तुम अपना टाइम खराब करो, पढ़ने में अच्छे हो तुम, लेकिन तुम जो है टाइम खराब कर रहे हो। वो जो ओवरऑल टाइम वगैरह खराब हुआ, फिर क्या हुआ, 10th क्लास में हम लेटे हुए थे मस्त, ठीक है, हालांकि रोना तो हमें आया, 10th में हम रोते रहे, उसके बाद हम लेटे हुए थे तो एक आंटी जी थी ऐसे ही मोहल्ले की, वो आंटी जी आई, उन्होंने कहा सत्यम कितनी परसेंट आई है, तो हमने कहा 61% आई है, बोली बस, हालांकि मेरे पास कंप्यूटर था, कंप्यूटर नंबर उतने अच्छे नहीं मिलते लेकिन कम थी, ठीक है, बोली मेरे लड़के की तो 74 है, क्या पढ़ते थे तुम, सुबह सुबह का टाइम था, सो के उठे थे, बड़ा बुरा लगा यार। और जब बुरा लगा तो फिर अब लड़ाई किसी आंटी जी से नहीं थी, ना किसी से थी, लेकिन एक आप अपने आप में सवाल उठा कि क्या वाकई में हम यार क्या कर रहे थे यार। उसी दिन से सोच लिया कि 12th में जब दूसरा मौका मिलेगा कुछ तो बेहतरीन करेंगे, कुछ बढ़िया करेंगे, अभी देखेगा वही आंटी जी वापस आएंगी इस कहानी में, तो हमने कहा कुछ तो अच्छा करेंगे, और कुछ अच्छा नहीं, कुछ बहुत अच्छा करेंगे। फिर क्या हुआ भाई, मेहनत करने लगे, बहुत मेहनत की, 11th क्लास में भी खूब पढ़ाई की, 11th में कॉलेज में 3रा नंबर आया, ठीक है, वहां से प्राइज मिला। जब हम 12th में पहुंचे तो हमने कॉलेज जाना छोड़ दिया, लास्ट में 4-5 महीने कॉलेज जाते ही नहीं थे, नहीं जाते थे का क्या मतलब है, कभी कभी जाते थे, कुछ लोग कहेंगे सर जी आप तो जाने के लिए मना कर रहे हैं, मेरे भाई जरूरत पड़े तो जाओ, खास करके सरकारी स्कूलों की हालत क्या सबको पता है, जब आपको लगता है कि अगर पढ़ाई हो रही है टाइम कहीं भी मत खराब करो, कहीं कोचिंग पढ़ते हो अगर लगता है कि वहां पे टाइम खराब हो रहा है छोड़ दो,
कहीं भी टाइम नहीं खराब करना, खास करके अब जब आखिरी के 2-3-4 महीने बचे हुए हैं। अब क्या करना, अब क्या शेड्यूल हम फॉलो करते थे 12th में, वो समझिए वो आपके बड़ा काम का है। हम क्या करते थे, सुबह उठते थे आराम से 8 बजे सो के उठते थे। अब कॉलेज जाना नहीं होता था, 9, 9:30, 10 बजे तक तैयार हो जाते थे, और उसके बाद 9:30 से भी अगर पढ़ना शुरू करते थे तो कम से कम 12:30 बजे तक आघा के पढ़ते थे बैठ के। 3 घंटे हमने ये पढ़ाई कर ली, ध्यान से समझिएगा सर, ठीक है। अब 12:30 बजे तक पढ़ लिया, उसके बाद अगर खाना ना खाया, 1 बजे अपना तैयार यार हुए, 2 बजे से कोचिंग होती थी जो 5-6 बजे तक फ्री हो पाते थे, यानी फिर जब 12:30 बजे पढ़ने के बाद फिर कोचिंग आवाजी और ये सब करने करके 7-7:30 तक घर पहुंच पाते थे। तो 7:30 के बाद घर में हमारे मंदिर है, आरती होती थी, खाना ना खाते खाते लगभग 9:30 बज जाता था। उसके बाद 10 बजे से कॉपी और रजिस्टर रफ लेके फिर बैठ जाते थे। बहुत रजिस्टर हमने भरे हैं, बहुत प्रैक्टिस की है मेरे भाई। किसी भी काम को करने में अगर आपको आप चाहते हो कि हम इसमें ग्रो कैसे कर सकते हैं, कामयाब कैसे हो सकते हैं, एक ही काम है, प्रैक्टिस करो, आगाह के करो, चाहे वो सवाल हो, थ्योरी हो, कोई बिजनेस हो, यार जूता। अभी हम एक जगह पे दाढ़ी बनवाने गए तो दाढ़ी बनवाने का एक लड़का, अब हम थोड़ा सा वैसे भी बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, हम ज्यादा देखिए यहाँ पे इंटरेक्ट है हम, लेकिन अगर हम आप अलग से मिलेंगे हमसे तो हम बहुत ज्यादा नहीं इंटरेक्शन नहीं रखते लोगों से, कि जो है मतलब मोहल्ले में आ रहे हैं खेकेबाजी कर, कुछ नहीं है। जब तक क्लास में होते फुल मौज लेंगे, बच्चों के साथ मौज लेंगे, बच्चों को लगेगा ना बड़ा मजा, लेकिन कोई अलग से खड़ा हुआ तो कोई ज्यादा मतलब नहीं रखते। तो हम बिल्कुल सन्नाटे में गए, उसने थोड़ा सा दाढ़ी बनाई, उसे लगा कि हम नहीं बना पाएंगे तो वो चला गया, वापस आया। जब वापस आया तो बोला हमने क्या हो गया, बोले हमें डर लग रहा था कि जो है कहीं कट अट गया तो आप जो है देखने में थोड़ा सा। तो रियलिटी यही है कि अब क्या हुआ वहां पे, जितनी आप प्रैक्टिस कर लोगे, अब उसकी वो दाढ़ी बना उसकी प्रैक्टिस नहीं थी, और एक दूसरा आया उसने फटाफट लगाया चला गया, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा थी। तो वो कोई भी काम हो, दाढ़ी बनाने से लेके जूता पॉलिश करने तक, सवाल लगाने तक, जो भी काम हो उसमें आपको दाढ़ी बनाना नहीं है सर। दाढ़ी बनाने में और पढ़ाई में लोग कहेंगे क्या ताल्लुक है, ताल्लुक है, क्या ताल्लुक है, प्रैक्टिस का ताल्लुक, हर काम में प्रैक्टिस का ताल्लुक है। तो अब क्या किया, 3 घंटे हम लगभग सुबह पढ़ लेते थे, ठीक, कभी कभी कॉलेज चले जाते तो ये 3 घंटे नहीं पढ़ पाते थे। शाम को हम 10 बजे जब बैठते थे तो जो कसम खा के बैठते थे कि अब जो है हम अपने आप नहीं सोएंगे, यहाँ पे भी बताएंगे आपको दिक्कतें, हम अपने आप नहीं सोएंगे। 12 बज गया, 1 बज गया, 2 बज गया, कभी सर में दर्द हुआ, उठ गए, बैठ गए, पढ़ते रहे। और उस समय हमारे घर में इन्वर्टर वगैरह कुछ नहीं था, लालटेन लेके बैठते थे, तो लालटेन लेके बैठते थे, या दिया नहीं चलता, अब तो शायद आप जानते भी ना हो, इस तरीके का एक दिया होता था, डब्बी हम लोग बोला करते थे, ठीक है, और उसमें ऐसे करके मिट्टी का तेल भरा जाता था और फिर वो जला करता था, तो रख लेते थे पड़ोस में जब लाइट नहीं आती थी, तब उस समय लाइट की भी हालत बड़ी बुरी थी, तो फिर पढ़ते थे। मम्मी हमारी कहती भी तुम कभी कभी सोते रहो सर आग लगा दोगे, तो इस तरीके से फिर जो है वो पढ़ते रहते थे, और पढ़ते पढ़ते वो दिया लालटेन जलती रहती थी, ऐसे हाथ रख के सो जाते थे। फिर बाद में मम्मी सुबह आती थी, फिर वो उठाती थी, बंद करती थी, क्योंकि छत पे कोने में कमरा बना था, बस वहीं बैठ के पढ़ते थे। बहुत मेहनत की, अघा के मेहनत की, इतनी मेहनत की क्योंकि सोच के रखा था कि किसी के लिए कुछ नहीं करना यार, खुद के लिए कुछ करना, अपनी वैल्यू के लिए कुछ करना है, कि यार खुद से एक सवाल है कि असलियत में क्या यार, मेरी इतनी औकात भी नहीं है कि आदमी आके मुंह पे कह के चला जा रहा है ये है ये है ये है, दुनिया भर की बातें, और सोच के रखा था कि यार पिताजी यार बताओ है नहीं यार, अगर हम इसी तरीके से चीजें करते हैं तो आने वाले टाइम में तो मौका मिल जाएगा लोगों को, क्या करेंगे हम। करने लगे, मेहनत करते रहे, और आखिरी में जब 12th में नंबर आए तो बहुत बेहतरीन नंबर। जब हम आपको बताएं पेपर देने गए तो ये पोजीशन थी, हमें आज भी याद है, पेपर में एसिटाल्डिहाइड आई थी और हम ऐसे आंखें बंद करते थे तो हमें दिखाई देता था एसिटाल्डिहाइड की। आज भी हमें याद है, जब हम प्रैक्टिकल देने गए तो उन्होंने पूछा था कॉपर की मेटलर्जी में जो है कॉपर क्या होता है, इसके मुख्य अयस्क क्या होता है, इसके कौन कौन से अयस्क, हमने आज भी सुनाए थे कॉपर पाइराइट, बोरोनाइट, कैल्कोसाइट, क्यूपराइट, और उन्होंने पूछा था इसका मुख्य अयस्क, हमने कहा कॉपर पाइराइट होता है, CuPST फार्मूला होता है, सब कुछ बिल्कुल वैसे याद है आज भी, कुछ भी नहीं भूले। कुछ लोग कहेंगे सर जी आप तो पढ़ाते हैं इसलिए याद नहीं, एक एक क्वेश्चन बता देंगे, एक एक चीज बता देंगे, क्या क्या पूछा था फिजिक्स में, उन्होंने निरोधी विभव पूछा था, कार्यफलन पूछा था, सब कुछ एडिटिव वैसे ही बताया था, 30 में 30 प्रैक्टिकल। क्यों? क्योंकि हम ऐसे करके कॉपी आंखें बंद करते थे तो हमें कॉपी दिखती थी। लोग कहते हैं कि नकल नहीं ले जा सकते, ले जा सकते हो नकल, यहां वाली नकल लेके जाओ, कोई रोक के दिखा दे, इतनी प्रैक्टिस कर लो कि कॉपी में कोई कहे कार्यफलन कहां लिखा हो, तुम कह दो यार वो जो काला वाला पन्ना जिस पर दाग लगा हुआ उसके नीचे की चौथी लाइन में कार्यफलन लिखा, खोल दिया ये कार्यफलन, आंखें बंद करी वो सब्जी दिख रही है, सब्जी का दाग दिख रहा, नीचे कार्यफलन दिख रहा, लगा दिया, काम हो गया। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रजिस्टर भरिए, करिए प्रैक्टिस, और कोई लिमिट नहीं। फिर क्या है, पढ़ते रहते थे अंधाधुंध, 2 बज गया, 3 बज गया, 4 बज गया, सुबह मस्त 8 बजे सो के उठे, स्कूल नहीं जाओगे, घर वाले कहते थे अरे वो आज नहीं जाएंगे सर स्कूल, थोड़ा सा जान पहचान बढ़ गई थी तो स्कूल वालों से भी पता था, कॉलेज में कुछ अच्छे टीचर्स भी थे तो वो मदद कर देते थे, कोई बात नहीं बेटा घर पे बैठ के पढ़ो, ठीक है, सरकारी स्कूल में वैसे भी इतना कोई ड्रामा नहीं होता, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें रही, और 12th में बहुत अच्छे नंबर आए। फिर वहीं वाली आंटी जी आई, और उन आंटी जी ने जो है अब कि हमें बताना नहीं पड़ा, ठीक है, मोहल्ले में खबर फैल गई कि परसेंटेज बहुत अच्छी आई है, कुछ सब्जेक्ट में 90 से ऊपर नंबर आए, तो बोले यही आके बोली सत्यम बेटा आपकी नंबर तो तुम्हारे बड़े अच्छे आए।
हमने थैंक यू आंटी जी ठीक है, फिर हमने अब हम भी तो मौज लेने से कैसे छूट सकते थे, तो हमने पूछा आपके लड़का भी तो इंटर में था, क्योंकि जब वो हाई स्कूल में संग में था तो इंटर, हमने आपके उसके कितने आए, बोली उसके थोड़े कापी सही नीचे कोई है, उसके नंबर कम रहेगा कि 68% है। हमने बस 68% वो तो बड़ा कम होते हैं, हमारे तो बड़े अच्छे अच्छे नंबर हैं बस। हालांकि अब हम इसका अगर आज की डेट में हम होते तो हम कभी भी जवाब नहीं देते ना पूछते, लेकिन उस जमाने में एक दौर होता है नहीं कि अब इनने हमारी खिंचाई करी तो थोड़ी हम भी कर ले रहे हैं मजा ले रहे हैं, लेकिन अब हमारा यह है यार चलो ठीक है, जो कोई जो कुछ कह रहा है ठीक है कहने दो करने दो, ओम इग्नोर आए नमा, इग्नोर करो लोगों को, अपनी वैल्यू को किसी से लड़ने के लिए नंबर नहीं लाने यार, अपनी वैल्यू अपनी औकात को पहचानने के लिए अपनी औकात को बनाने के लिए नंबर लाने। सुल्तान में वो क्या कहता है, अब ये लड़ाई किसी को दिखाने के लिए नहीं है, अब ये खुद की औकात बनाने के लिए है। तो बेहतरीन तरीके से मेहनत की और बेहतरीन तरीके से नंबर आए और उसके बाद बहुत खुशी थी सर ठीक है, फिर बीएससी में पहुंची, जब नंबर बन गए तो एक कॉन्फिडेंस आया यार, प्लस हमने हमेशा अगर आपने ट्वेल्थ मेहनत से पढ़ा है तो फिर ट्वेल्थ वही चीजें रिलेट होती हैं, फिर बीएससी में आ जाती हैं, वही सारी चीजें रिलेट होती हैं सर ठीक है। तो फिर क्या हुआ, एक कॉन्फिडेंस बढ़ा बीएससी में, फिर हमने लोगों को पढ़ाना शुरू किया, ट्वेल्थ के बाद ट्वेल्थ से ही लगभग पढ़ाने लगे थे एक दो बच्चों ठीक है, तो लोगों को पढ़ाना शुरू किया, पढ़ाने के बाद जो है साथ साथ में बीएससी में कतई कॉलेज नहीं जा पाते थे, लोग कहते तुम बर्बाद हो जाओगे, और मेरे दोस्तों ने हमें खुद, फिलहाल तो मेरा कोई दोस्त नहीं है आपको बता दें, आज की भी डेट में मेरा कोई दोस्त नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई नहीं है, किसी से मेरी बातचीत नहीं होती है, लोग ये तक कहते हैं यार बेकार आदमी यार, उसका फोन मिलाओ फोन तक नहीं उठता, क्या क्या करेंगे फोन उठा के, जब बताओ आपकी पहचान तब होगी जब आप कुछ अच्छा करोगे, तो कुछ नहीं, लेकिन जो मेरे साथ में लड़के पढ़ते थे कभी कभी, फिलहाल तो मेरी कोई बातचीत नहीं होती है, कोई संपर्क में नहीं है, लेकिन जब कभी एक दो लोग मिले भी हमें तो यही बोले यार तुम तो बड़ा बढ़िया निकल गए, हमने क्यों, बोले जब तुम यार हम लोगों के संग में पढ़ने कभी कभी आते थे तो तुम कहते थे कि जो है यार बीएससी में जो है हम लोग क्लास पढ़ते, तुम कहते थे यार हमें जाना है यार हमें बैच पढ़ाएंगे जाके, सेकेंड ईयर में थे तुम कहते थे हमें बीएससी फर्स्ट ईयर पढ़ाना जाके, तो हम तुम्हें यार बेवकूफ़ समझते थे यार, पता नहीं कैसा लड़का है यार क्या क्या कहता रहता है, खुद सेकेंड ईयर में फर्स्ट ईयर पढ़ाएगा जाके, बोले लेकिन आज की डेट में समझ आया तुम क्या कर रहे थे। तो बस यही है जिंदगी में, हमने कोई फॉर्म नहीं डाला, कोई कभी सोचा भी नहीं कि हमें कोई सरकारी नौकरी करनी है, उसका कारण ही यही रहा, गोल बिल्कुल क्लियर था यार हमें कुछ करना है, और वो लोग या जितने भी लोग आज की डेट में सब कहते हैं कि यार तो बड़ा बढ़िया निकल गया, लेकिन रियलिटी यही है कि कोई भी बढ़िया निकलता नहीं है, वो बचपन से अच्छा होता है इसलिए बढ़िया निकलता है। जैसे हमारी मम्मी एक बार बता रही थी कि हम जब छोटे थे, अपनी तारीफ नहीं करेंगे, लेकिन जब छोटे थे तो क्या हुआ, सब छोटे बच्चों की छुट्टी हो गई तो हम नहीं, हमारी छुट्टी नहीं, तो मम्मी कॉलेज में देखने गई स्कूल में कि कहाँ है, तो वहाँ के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने कहा कि ये छोटा है लेकिन बच्चों देख के पीटी कर लेता है, जो दूसरे तीसरे क्लास के बच्चे हैं तो इसके संग में खड़ा कर देते हैं, देखो कर रहा है, तो मम्मी बता नहीं कर रहा है तुम खड़े होकर पीटी, तो तारीफ नहीं कर रहा हम, लेकिन रियलिटी है, देखो बचपन में क्या हुआ वो हमें नहीं याद है, लेकिन बड़े पे भी हो रहा है और आप तब भी नहीं करना, लोग आपके मुंह पर थूक के जा रहे हैं और तुम पड़े हो, यार चलो ठीक है यार ठंडा ठंडा लग रहा, शर्म की बात है, जानवर हो तो कोई बात नहीं, इंसान हो तो उठो और दिखाओ ऐसे लोगों को कि हम क्या कर सकते हैं, इंसान के अंदर क्या पावर है, एक बार दिखाओ यार आदमी, टारगेट तो बनाओ, और जब टारगेट बनेगा फिर कोई रुकावट नहीं दिखाई देगी, नहीं आता है। अब कुछ जेन्युइन फैक्ट्स पे बात करेंगे, जैसे नंबर एक, सर जी हमें बहुत जोश, अभी इस वीडियो को देख के सर जी इतना जोश आ रहा है हम जान लगा दें, लेकिन दिक्कत यह है कि जो है अब हमें आता कुछ नहीं है, हमारे पास नोट्स नहीं है, हमारे पास दिक्कतें हैं, मेरे भाई कोई बात नहीं, वो कहते नहीं है कि जब जंगल में जाओ तो पहले, अगर मान लिया आपके पास अभी कितना टाइम, अभी आपके पास 2 महीने हैं हम मान के चल रहा है ठीक है, तो उस 2 महीने में 15 दिन आप दो किसके लिए, अपने आरी में धार लगाने के लिए, अपनी कुल्हाड़ी में धार लगाने के लिए, और फिर बचे हुए जो दिन बचेंगे कितने, मान लिया 90 में 75 दिन दो बचेंगे, उसमें आप पूरा जंगल उजाड़ दोगे, यार क्या बात कर रहा हूँ, अब पहले दिन से रो रहा हमारे पास नोट नहीं है, एक टॉपिक मिल रहा वही पढ़ रहा है, नहीं पहले 15 दिन उन चीजों पे काम करो जो दिक्कत कर रही है, क्या दिक्कत करी, नोट्स नहीं है तो नोट्स की जुगाड़ करो, क्लास नहीं है कोई बात नहीं, देखो कौन पढ़ा रहा है, इंटर है बीएससी है तो सारे क्लास इसी चैनल पे मिल रहे हैं, पढ़ो, और क्या दिक्कत, न्यूमेरिकल में दिक्कत कर रही है, फॉर्मूले याद करो, हमने अभी वीडियो बनाई थी कि न्यूमेरिकल कैसे हल कर सकते हैं, यानी जो दिक्कतें हैं उन्हें 15 दिन में सॉल्व करने की कोशिश करो, बचे हुए 15-75 लोग कहेंगे पता नहीं क्या करता रहता है, कोई शर्म की बात नहीं, अगर तुम्हें बेसिक कैलकुलेशन भी नहीं आती है तो सीखो, कुछ लोग होंगे यूट्यूब पे सिखा रहे होंगे पॉइंट हटाया पॉइंट की जितनी संख्या होती 0 लगाया, अब नहीं सीखोगे तो कब सीखोगे यार, जब जागो तब सवेरा हो जब सो जाओ तब अंधेरा, कुछ लोग कहेंगे सर जी आप तो इतना जोश भर देते लगता है अभी हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, बहुत आसान है, एक टाइम था जब हम भी उस फेज में चले गए थे कि खाली मौजबाजी में आ गए थे, लेकिन उसके बाद मेरी समझ में आया नहीं यार क्या कर रहा है, उसके बाद पूरा एक दौर गुजरा और आज भी लोग देखते हैं अरे यार बड़ा बढ़िया कर रहा मामला, तो ये सब चीजें हैं, और बाकी कभी भी चक्कर में दोस्ती बाजी ये सब बाजी टाइम बाजी, और कितने टाइम सोना चाहिए जो लोग पूछते हैं हम उनसे यही कहेंगे,
कोई फर्क नहीं पड़ता यार, चार घंटे या पांच घंटे सो गए, सो लो, ठीक है, अपना शेड्यूल बता दें। तो वैसे हम डेली सुबह 5:30 पे उठते हैं, ठीक है, लेकिन जिस दिन छुट्टी होती मस्त 11 बजे सो के उठते हैं। अरे जब काम है तो उठ जाओ, नहीं काम, अब इस समय पेपर आने वाले तो मेहनत कर लो 2 महीने, उसके बाद फिर 12 बजे तक सोना कौन रोक रहा है यार तुम्हें। अब तुम यार अभी भी सोते रहोगे, बाद में भी सोते रहोगे, तो फिर वही होगा भैया, लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, यही किस्सा पुराना है सजन रे, झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। उम्मीद करते हैं पूरी बात समझ में आ गई होगी, और आ गई है तो उठिए यार, थोड़ी मेहनत करिए, कोई दिक्कत है नीचे कमेंट करके बताइए, वीडियो बना के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।